न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। तो जैसा कि हमने पिछले सेक्शन में देखा था कि इस बुक में हम लोग स्टडी करेंगे एक पूरे 1000 ईयर्स के पीरियड की कि उसमें क्या क्या चेंजेस आए। सो वी विल बी स्टडींग फ्रॉम 700 to 1750 कि इस पीरियड में क्या क्या चेंजेस हुए। तो हमने डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज में चेंजेस देखे, हमने हिस्टोरियंस के सोर्सेज में चेंजेस देखे, और अब इस सेक्शन में हम देखेंगे कि किस तरह इस पीरियड में अलग अलग सोशल ग्रुप्स, पॉलिटिकल ग्रुप्स इमर्ज हुए। सो इतने लंबे पीरियड की स्टडी करना इतना आसान नहीं है हिस्टोरियंस के लिए, क्योंकि इस पीरियड में काफ़ी सारी डेवलपमेंट हुई और अलग अलग तरह की डेवलपमेंट हुई, राइट। सो द स्केल एंड वैरायटी ऑफ डेवलपमेंट्स दैट अकर्ड ओवर द पीरियड मेड द स्टडी ऑफ दिस पीरियड वेरी डिफिकल्ट। तो किस किस तरह की डेवलपमेंट हुई, क्या क्या चीज़ों में चेंज आया वो हम देखते हैं। तो सो इस पीरियड में काफ़ी तरह की जो टेक्नोलॉजीज थी वो इमर्ज होकर आई, ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजीज इमर्ज हुई, जैसे कि पर्शियन व्हील इन इरिगेशन। मतलब इरिगेशन में आप पिक्चर में देख सकते हो ये पर्शियन व्हील है, तो ये इरिगेशन में हेल्प करता है। फिर उसके बाद स्पिनिंग व्हील, स्पिनिंग व्हील तो हम सबको पता है जो चरखा होता है। एंड देन फायर आर्म्स इन कॉम्बैट, फायर आर्म्स इन कॉम्बैट क्या होते हैं, जैसे कि जो गन्स हैं, बंदूकें हैं, पिस्तौल हैं, तो उन सबका आविष्कार इसी पीरियड में हुआ था। तो कुछ इस तरह के डेवलपमेंट्स देखने मिली हमें, इस तरह की टेक्नोलॉजीज इमर्ज होकर आई। इसके अलावा फूड्स एंड बेवरेजेस भी हमारे सब कॉन्टिनेंट में अराइव हुए, जैसे कि पोटैटोज, कॉर्न, चिलीज, टी एंड कॉफ़ी। तो कुछ इस तरह के फूड्स एंड बेवरेजेस हमारे सब कॉन्टिनेंट में बाहर की दुनिया से, मतलब जो दूसरे देश हैं उनसे चलकर हमारे देश तक पहुँच गए। अब किस तरह पहुँचे ये खुद तो चलकर आए नहीं, जैसे कि हमने पढ़ा था कि ट्रेड वगैरह होने लगी थी, ठीक है, हमारे जो देश के लोग हैं वो दूसरे दूसरे देशों के साथ ट्रेड करते थे, वहाँ के लोग हमारे देश में आते थे, हमारे लोग दूसरे देशों में जाते थे। तो जब बाहर के लोग हमारे देश में आते थे तो वो अपने साथ अपने फूड्स लाते थे, अपने बेवरेजेस ये सब लाते थे, उसके साथ साथ न्यू टेक्नोलॉजीज एंड क्रॉप्स लाते थे, नए आइडियाज़ लाते थे, अपने कल्चर अपने साथ लाते थे। तो इस वजह से जो मूवमेंट ऑफ पीपल है उसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें नई नई हमारे देश तक पहुँच गई। और इन सभी चेंजेस के कारण इस पीरियड को पीरियड ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल चेंजेस एंड सोशल चेंजेस कहा जाता है, क्योंकि इस पीरियड में हर तरह के हमें इकोनॉमिक चेंजेस भी देखने मिले, पॉलिटिकल चेंजेस भी, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस भी देखने के लिए मिले। तो इसलिए इस पीरियड को इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस वाला पीरियड भी कहा जाता है। तो दिस वॉज ऑल्सो पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी। मोबिलिटी मतलब क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना। तो जैसा कि हमने देखा कि जो फूड बेवरेजेस आए, टेक्नोलॉजीज आई, तो ये सब क्यों आई हमारे देश में, क्यों, क्योंकि लोग जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोबिलिटी हुई लोगों की, इसलिए एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें और भी ज़्यादा पहुँचने लगी। तो लोग अब एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते क्यों थे, तो नई नई अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। वो लोग ये देखते थे कि जैसे हमने 6th क्लास में पढ़ा था कि बहुत सारे कारण होते हैं लोगों को मूव करने के, हो सकता है कहीं पे सूखा पड़ गया हो, अकाल पड़ गया हो, कहीं पे लोगों को नौकरी नहीं मिल रही थी, ठीक है, खाने की कमी हो रही है, तो इस वजह से भी लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। अब सबको खाना कमाना था तो नई नई अपॉर्चुनिटीज़ की खोज में लोग मूव करते थे। और बात करें हमारे सब कॉन्टिनेंट की, तो हमारे सब कॉन्टिनेंट को जैसा कि आपको पता भी होगा कि सोने की चिड़िया एक बार इंडिया को कहा जाता था एक समय पर, तो यहाँ पर इतनी सारी वेल्थ थी कि सभी लोग यहाँ पर अगर कोई काम वगैरह करने लगे तो उसकी किस्मत जो एकदम चमक सकती थी। देयर वर पॉसिबिलिटीज़ फॉर पीपल टू कार्व अ फॉर्च्यून, सबकी किस्मत यहाँ पे बन सकती थी, उनकी जो ज़िंदगी एकदम संभल सकती थी, इतनी ज़्यादा वेल्थ थी हमारे सब कॉन्टिनेंट में। अब क्योंकि इस सेक्शन में हम सोशल ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, तो एक जो प्रोमिनेंट ग्रुप था जो इस वक्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस गेन किया वो था राजपूत का। तो जो राजपूत का ग्रुप है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था इस पीरियड में। और ये जो नाम है राजपूत, ये कहाँ से ड्राइव हुआ है, ये हुआ है राजा पुत्रा से, कि राजा तो हमें पता है किंग, और पुत्रा होता है उसका सन, तो द सन ऑफ अ रूलर। तो एक तरह से वो ग्रुप ऑफ पीपल जो अपने आप को किंग के बेटे की तरह, किंग के सन की तरह कंसीडर करते थे, तो उन लोगों का ग्रुप जो है वो इमर्ज हुआ इस टाइम पे। अब ऐसे तो इस वर्ड का मतलब क्या है कि राजा का बेटा, बट 8th and 14th century के बीच में क्या हुआ कि इस वर्ड का जो यूज़ है वो क्षत्रिय कास्ट के लोगों के लिए भी यूज़ किया जाने लग गया। जो क्षत्रिय कास्ट के लोग थे वो लोग भी अपने लिए क्या वर्ड यूज़ करते थे कि हम राजपुत्र हैं, ठीक है। सो धीरे धीरे जो लिटरल मीनिंग था राजा पुत्रा का, मतलब राजपूत का, कि द सन ऑफ द रूलर, तो उसका मीनिंग चेंज होता गया कि जैसे क्षत्रिय जो थे वो अपने आप को राजपूत कंसिडर कर रहे थे, और राजपूत में जो सिर्फ और सिर्फ क्षत्रिय या फिर जो रूलर्स थे वही नहीं आ रहे थे, इस टर्म के अंडर जो चीफ्टेंस थे, जो सोल्जर्स थे एंड कमांडर्स थे, जिन्होंने अलग अलग मोनार्क्स के अंडर काम किया था, आर्मीज में सर्व किया था, वो सभी लोग
जो राजपूत एक तरह से कंसिडर करते थे अपने आप को। तो अब राजपूत के साथ कुछ क्वालिटीज एट्रीब्यूटेड थी, मतलब कि जो उनके पोएट्स थे एंड जो उनके बार्ड्स थे, वो उनके उनको जब दर्शाते थे, उनके बारे में जब लिखते थे तो वो बताते थे कि इनमें ये क्वालिटीज़ हैं। तो किस तरह की क्वालिटी, जैसे कि ये बहुत ही ज़्यादा कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करते थे, कि मतलब एकदम सख्त तरीके से जो भी इन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाया उनको फॉलो करते थे, बहुत ही बहादुर थे, निडर थे, एंड इनमें ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी थी, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा लॉयल होते हैं, निष्ठावान होते हैं। तो कुछ इस तरह की क्वालिटीज़ जो थी उनके साथ एसोसिएट की जाती थी। सो इसी टाइम पे जो दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल थे, जो दूसरे ग्रुप्स थे, जैसे कि मराठास हो गए, सिख्स, जाट्स, अहोम्स, कयास्थास। कयास्थास क्या है? एक कास्ट ऑफ स्क्राइब्स एंड सेक्रेटरीज है। तो उन लोगों के जो ग्रुप था कयास्थास, तो इस तरह के लोग भी इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस गेन करने लगे और पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट बनते जा रहे थे। अब इस पूरे 1000 साल के पीरियड में क्या हुआ कि बहुत ही ज़्यादा ग्रेजुअल चेंज आया, कि जो फॉरेस्ट को क्लियर करने का जो सिस्टम था, मतलब कि जैसे खेती बाड़ी बढ़ाने के लिए ज़मीन कहाँ से लाएंगे लोग, तो जो जंगल वगैरह थे उन्हीं को वो लोग क्लियर करते जा रहे थे। तो जो ग्रेजुअल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट था ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया इस टाइम पे। और ये जो चेंज था, मतलब कि जो ये लोग जंगलों को क्लियर कर रहे थे, ये कुछ एरियाज़ में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हो रहा था और कुछ एरियाज़ में इतना स्पीड से नहीं हो रहा था। अब क्योंकि फॉरेस्ट को क्लियर किया जा रहा था, जंगलों को काटा जा रहा था, तो जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, जो लोग फॉरेस्ट में रहते थे, तो उनको अपना हैबिटेट चेंज करने पर मजबूर होना पड़ा। मतलब कि जैसे हैबिटेट क्या होता है, कि रेफर्स टू एनवायरमेंट ऑफ अ रीजन एंड द सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ स्टाइल ऑफ इट्स रेजिडेंट, कि उस पर्टिकुलर प्लेस का क्या एनवायरमेंट है, वहाँ के जो लोग हैं वो किस तरह से रहते हैं, क्या उनके लाइफ स्टाइल है। तो उन सब चीज़ों का एक तरह से उन्हें सेक्रीफाइस करना पड़ा फॉरेस्ट ड्वेलर्स को, कि अब जो उनका नेचुरल हैबिटेट था, जो जंगल था जहाँ पे वो पहले से रहते थे, अब उनका क्लियरिंग हो रही थी, अब सब खत्म हो रहा था, तो लोगों को मजबूरन जो सिटीज थी, जो बाहर वाला इलाका था, वहाँ पे शिफ्ट होना पड़ा, माइग्रेट होना पड़ा। तो कुछ जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे वो तो माइग्रेट कर गए बाहर की सिटीज़ वगैरह में, और कुछ ने क्या किया, उन्होंने भी बहती गंगा में हाथ धो लिया। मतलब कि जैसे जो दूसरे लोग फॉरेस्ट वगैरह क्लियर कर रहे थे, क्यों कर रहे थे वो लोग? एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है, खेती, अपने खेती वाला जो इलाका है उसको बढ़ाने के लिए वो लोग फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे थे। तो कुछ फॉरेस्ट ड्वेलर्स ने भी क्या किया, खेती करना स्टार्ट कर दिया, वो लोग भी पेजेंट्स बन गए। अब पहले तो जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी का पार्ट नहीं थे, मतलब एकदम अलग रहते थे, इनका अपना अलग सिस्टम था। बट धीरे धीरे क्योंकि इन लोगों ने भी खेती स्टार्ट कर दी, ये लोग भी पेजेंट्स बन गए, तो धीरे धीरे ये लोग भी रीजनल मार्केट्स का पार्ट बन गए, चीफ टेंस, प्रीस्ट, मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल्स। तो मतलब इन सभी चीज़ों से ये लोग भी इन्फ्लुएंस होने लग गए, क्योंकि अब ये लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो सिर्फ सब्सिस्टेंस के लिए तो करेंगे नहीं, मार्केट में जाके बेचेंगे भी, लोगों के साथ एक्सचेंज भी करेंगे, ठीक है, जब बाहर सोसाइटी में निकल के आ गए हैं तो अलग अलग तरह के लोगों से इंटरेक्ट करेंगे। तो ये सभी चीज़ें भी फिर इन फॉरेस्ट ड्वेलर्स को, जो कि पहले फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे अब पेजेंट्स बन गए, तो इन सबको इन्फ्लुएंस करने लग गई ये सभी चीज़ें। और धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे ये भी कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ जो थी उनका पार्ट बन गए, और जब पार्ट बन गए तो इन लोगों को भी टैक्सेस वगैरह पे करने पड़े। वहाँ के जो लोकल लॉर्ड्स थे, मतलब कि जो राजा महाराजा थे वहाँ के लोकल, उन लोगों को उन्हें गुड्स एंड सर्विसेज ऑफर करनी पड़ी, जैसे ट्रिब्यूट देते हैं, तो वो सभी चीज़ें भी अब इनको करनी पड़ रही थी। पहले तो ये लोग जब जंगलों में रहते थे उस टाइम पे इन लोगों का कोई लेना देना नहीं था मेन स्ट्रीम सोसाइटी से, उस टाइम पे लोग अपना अपना करते थे, तब इन्हें कुछ भी ये टैक्स वगैरह पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। बट क्योंकि अब ये लोग इस कॉम्प्लेक्स सोसाइटी का पार्ट बन गए हैं, ये लोग भी टिलिंग कर रहे हैं, पेजेंट्स हैं, सभी चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो इन लोगों को भी अब टैक्स पे करना पड़ रहा था, गुड्स एंड सर्विसेज ऑफर करनी पड़ रही थी। और धीरे धीरे क्या हुआ कि काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल एंड सोशल डिफरेंसेस आ गए इन पेजेंट्स के बीच में, कि पहले तो जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे वो नए नए पेजेंट्स बने थे, कि लोगों को इतना ज़्यादा नहीं पता था, मेन स्ट्रीम सोसाइटी का पार्ट नहीं थे, तो सभी चीज़ें इनके लिए बहुत ज़्यादा नई थी। तो क्या हुआ कि कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव लैंड्स थी, मतलब कि ऐसी ज़मीन थी जिन पे काफ़ी अच्छी पैदावार होती है, और कुछ लोगों के पास इतनी अच्छी ज़मीन नहीं थी, और कुछ लोग अपनी खेती बाड़ी के साथ साथ कैटल्स को भी रखते थे, गाय भैंस भी रखते थे, कुछ लोग आर्टिजनल वर्क करते थे जब उनका एग्रीकल्चर वाला काम थोड़ा मंदा पड़ जाता था। तो मतलब धीरे धीरे लोगों की एक्टिविटीज़ में चेंज आने लग गया, उनके इकोनॉमिकल एंड सोशल जो स्टेटस थे वो चेंज होने लग गए। और जैसे जैसे ये जो डिफरेंसेस थे सोसाइटी में वो बढ़ने लगे, तो लोगों को जातीज और जिन्हें सबकास्ट कहा जाता है उनमें बांट दिया गया, एंड इन जातीज को बैकग्राउंड एंड ऑक्यूपेशन के बेसिस पर रैंक दे दी गई। ये मतलब कि कहा गया कि ये जाति, मतलब पहले तो लोगों को जातीज में बांट दिया गया, एक जाति, दो जाति, मतलब ऐसे करके अलग अलग जातीज में बांट दिया गया, और उन अलग अलग जातीज को ऐसे रैंक्स दे दी गई कि ये वाली सबसे ऊपर है, ये वाली सबसे नीचे हैं। और किस बेसिस पे ये रैंक दी गई? उनके बैकग्राउंड एंड ऑक्यूपेशन के बेसिस पर, कि कोई कुछ काम करता है, मान लो कोई बर्तन बनाता है या फिर कोई क्षत्रिय है, तो कुछ इस तरीके से उनको रैंक दे दी गई।
अब ऐसा नहीं था कि इन जातीज की जो रैंक है वो फिक्स्ड कर दी गई थी, परमानेंट कर दी गई थी, ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं था कि ऐसा बोल दिया कि ये वाली जाति है जो हमेशा टॉप वन पे रहेगी, रैंक वन पे रहेगी, और ये हमेशा टॉप बॉटम में रहेगी, ऐसा नहीं था। ये जो जातीज थी इनकी जो रैंक थी वो डिपेंड करती थी कि उस जाति के मेंबर्स के पास कितनी पावर है, उनका कितना इन्फ्लुएंस है, और कितना ही ज़्यादा रिसोर्सेस उस जाति के मेंबर के द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों पे बेस्ड था ये जो रैंकिंग वाला सिस्टम था। तो सेम जाति के हो सकता है कि वो एक एरिया में उसकी बहुत अच्छी रैंक हो, एकदम टॉप पे, और हो सकता है कि दूसरे एरिया में वो जाति इतनी अच्छी रैंक पे ना हो। तो ऐसा होता था, मतलब डिपेंड करता था कि उस जाति के मेंबर्स के पास कितनी पावर वगैरह है। तो जैसा कि हमने देखा कि जैसे जैसे सोसाइटी में डिफरेंसेस आते गए, वैसे वैसे लोगों को ग्रुप्स में बांट दिया गया, और उन ग्रुप्स को क्या कहा गया, जातीज। तो ये जो जाति के लोग थे, ये लोगों ने भी अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बना लिए थे ताकि वो अपने मेंबर्स को कंट्रोल कर पाएं, मैनेज कर पाएं। ठीक है, तो सभी जातियों ने अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बना लिए थे, और ये जो जातीज थी इनको एक तरह से हेड कौन करता था उस टाइम के, एल्डर्स, जो भी वहाँ पे सब में सबसे बड़े हैं तो वो इनको हेड करते थे, और ये जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं वो ये इंश्योर करते थे कि सभी लोग उनको फॉलो करें। तो जो असेंबली ऑफ एल्डर्स थी, मतलब एक तरह से कुछ जो भी उस ग्रुप में, जो भी उस जाति में जो बड़े बड़े लोग हैं उनका एक ग्रुप था, तो वो ये इंश्योर करता था सभी लोग इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। और इस असेंबली ऑफ एल्डर्स को जाति पंचायत भी कहा जाता है। अब ऐसा नहीं था कि जातीज ने तो अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बना लिए और तो इन्हें सिर्फ यही फॉलो करना है, ऐसा नहीं था। कि ओवरऑल जो विलेजेस थी उन्होंने जो ग्रुप्स एंड रेगुलेशन जो उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं वो भी जातीज को फॉलो करने पड़ते थे, मतलब अपने भी फॉलो करने हैं और ओवरऑल जो विलेज ने बनाए हैं वो भी फॉलो करने हैं। सो कुछ विलेजेस जो होती थी वो चीफ्टन द्वारा गवर्न की जाती थी। चीफ्टन कौन होते, जैसे कबीले का सरदार होता है, ठीक है, तो एक जो सरदार होता था उनका जो हेड होता था उनके द्वारा मैनेज किया जाता था उनके जो भी विलेजेस होती थी। और ये सभी जो विलेजेस थी वो एक तरह से स्मॉल यूनिट थी पूरे स्टेट की। ठीक है, तो इस सेक्शन में हमने देखा कि किस तरह जो अलग अलग तरह के ग्रुप्स एंड सोशल चेंजेस हुए, किस तरह से अलग अलग तरह के लोग आए दूसरे देशों से आए, और वो क्या क्या टेक्नोलॉजीज लेकर आए, वो अलग अलग तरह के अपने कल्चर लेके आए, ठीक है, न्यू आइडियाज लेके आए, इनोवेशंस लेके आए, साथ में फूड्स एंड बेवरेजेस लेके आए, जैसे हमने देखा यहाँ पे पोटैटोज, कॉर्न, चिलीज, ये सब लेके आए, और अलग अलग टेक्नोलॉजीज इमर्ज हुई इस पूरे पीरियड में। और इसलिए इस पीरियड को क्या कहा जाता है, पीरियड ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इस पीरियड में जो है चेंजेस हुए। फिर हमने देखा कि धीरे धीरे जैसे सोसाइटीज में चेंज आते गए, डिफरेंस बढ़ते गए, तो लोगों को जातीज में बांट दिया गया, और हर एक जाति जो है अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती थी, मैनेज करती थी, और उसके साथ साथ जो विलेज के रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वो भी जाति के मेंबर को फॉलो करने पड़ते थे। ठीक है,